अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि आजकल बहुत वायरल हुई भी है, टॉर्टिया रैप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तरह के सैंडविचेस हैं, इसे आप इवनिंग स्नैक या डिनर में भी बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तीन किस्म की फिलिंग मैं यहाँ पर बना रही हूँ, स्वीट और सेवरी दोनों में तैयार होती है, लेकिन हम यहाँ पर सेवरी तीन फिलिंग में तैयार करूँगी और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी टॉर्टिया का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम मैंने यहाँ पर 2 कप छना हुआ मैदा लिया है और उसमें 1/4 चम्मच जो है वो नमक डाल दिया है, 1/2 टीस्पून घर की पिसी हुई चीनी डाली है, 2 पिंच जितना यानी कि 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टीस्पून फुल ऑयल डाला है और इसको नॉर्मल टैप वाटर से हमें भून लेना है अच्छी तरह से। नीम गर्म पानी इसमें शामिल नहीं करना है, नॉर्मल पानी से हमें इसे भून लेना है और इसको अच्छी तरह से मसल मसल के भूनना है ताकि इसका स्मूथ सा सॉफ्ट डो रेडी हो जाए। अब मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको और अच्छी तरह से भून लूंगी। अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। टॉर्टिया बेसिकली रोटी को ही कहा जाता है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का फर्क है जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो इतनी क्वांटिटी में हमारी 4 टॉर्टियाज तैयार होंगी। अब इसके पेड़े बना लेते हैं, अच्छी तरह से मसल मसल के फुल स्मूथ पेड़ा बना लीजिए और उसको रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट मजीद छोड़ दीजिए। अब मैं दोबारा से इसको बेलूंगी, 15 मिनट के बाद इसको बेलेंगे, अच्छा सा बिल्कुल बारीक बेलना है, चपाती से थोड़ा सा मोटा, और इसको फिर मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। कलर नहीं देना है, ना ही इसको फूलने देना है, पलट पलट के इसको सेकना है हर तरफ से। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी टॉर्टियाज तैयार होती हैं इस रेसिपी से। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं इसी पोजीशन में कि जब दिल चाहे तो आप सैंडविचेस तैयार कर लें। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। अब सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं और वो हम पहली फिलिंग हम इसको अंडे से तैयार करेंगे। एक अंडा लिया है, लाल मिर्ची पिसी हुई 1/2 चाय का चम्मच, नमक और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक ऑमलेट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गरम किया है मैंने पैन में और इसको अच्छी तरह से फैला दिया है, पूरे पैन में फैला देंगे और इसको फिर साइड टर्न कर देंगे। अब इसके बाद इसको हाफ फोल्ड करेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है और इसको फिर एक और फोल्ड करके क्वार्टर जितना कर देंगे इसको। अब ये हमारी सबसे पहली फिलिंग तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। दूसरी फिलिंग के लिए मैंने 200 ग्राम छोटी छोटी चिकन की क्यूब्स ली हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ली हैं, 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाला है, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर यूज किया है, 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्ची डाली हैं पिसी हुई, 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम या 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए। अब एक पैन लिया है और इसको डायरेक्ट इस चिकन को हमने उसमें डाल दिया है और इसको कवर कर देंगे। कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पकाएंगे। जैसे ही चिकन पानी छोड़ देगी तो इसको दोबारा कवर कर देंगे और उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है और इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इस फिलिंग को भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैं थर्ड फिलिंग तैयार कर रही हूँ जो कि है मैश्ड पोटैटो फिलिंग। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है, मैंने हल्की आंच पे गरम कर लिया है और उसके बाद मैंने 1 मैश पोटैटो लिया था, आलू लिया था, उसको मैश करके बॉयल और मैश करके डाल दिया है। काली मिर्ची, नमक, मिक्स हर्ब, ये तीनों चीज़ें मैंने 1/4 टीस्पून ली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम डाली है इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसकी पहचान ये होगी कि वो बॉटम छोड़ देगा, आमेजा जो है हमारा बिल्कुल एक तरफ हो जाएगा, डो की शक्ल तैयार कर लेगा, तो इसका मतलब है हमारी फिलिंग मैश पोटैटो की रेडी है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको भी हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे। दोनों फिलिंग हमारी रेडी है, अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं।
ये मेन पार्ट है जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। रोटी को सेंटर में से बिल्कुल नीचे 1/4 हिस्से पे कट लगाना है, यानी कि हाफ हाफ कट जाए। और अब उसके बाद मैंने यहाँ पर मायनीज ली है, आपको जो सॉसेस पसंद है आप वो यूज करें। और यहाँ मैंने पिज्जा सॉस उसके ऊपर डाला है और उसको आपस में मिक्स कर लिया है। अच्छा सा सॉस रेडी हो गया है। एक साइड पे हम चीज डालेंगे। आप इस चीज को गौर से देख लीजिए कि मैं कहाँ चीज रख रही हूँ और कहाँ चिकन रख रही हूँ, क्योंकि इसकी फोल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसको सैलेड डालूंगी। आप अपनी चॉइस से जो दिल चाहे वो सैलेड यूज कर सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ये देखें बेहतरीन सैंडविच रेडी है। इसको हमने एक तरफ रख लिया है अभी। अब इसको दूसरी असेंबलिंग कर रही हूँ मैं, दूसरे टॉर्टिया की। और इसमें मैंने मेयोनीज लगाई है, मस्टर्ड पेस्ट लगाया है और उसके बाद में गार्लिक सॉस लगाऊंगी और तीनों को मिक्स कर दूंगी। तो ये भी हमारा बहुत टेस्टी सा सॉस रेडी हो गया है। इसके बाद मैं चीज की स्लाइस रखूंगी फोल्ड करके, और मैश पोटैटो। मैश पोटैटो के साथ मस्टर्ड पेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और कुछ सैलेड रखेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आपको पसंद है वो आप रखेंगे। अब इसकी फोल्डिंग भी देख लीजिए, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ और फिर सैलेड की तरफ और फिर उसके बाद चीज की तरफ। ये हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी है, इसको भी हम एक तरफ रख लेंगे। ये थर्ड सैंडविच के लिए क्या करेंगे, मेयोनीज लिया है मैंने, कैचअप लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और एग जो हमने बना के रखा था वो भी रख लिया है, सैलेड भी रख ली है। अब इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तीनों सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। ग्रिल पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है, आप दोबारा से ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह से। और फ्लेम को मीडियम रखना है और उसको बहुत अच्छे से टोस्ट करना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। दोनों तरफ से पलट पलट के करेंगे ताकि ग्रिल मार्क बहुत अच्छे से आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल फ्राइंग पैन में भी इसको गर्म कर सकते हैं, ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो रेडी है ये दोनों सैंडविचेस और ये थर्ड भी मैंने बना लिया था, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ था। तो आप अपना आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।